हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड सेमीकंडक्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड 2023 के लिए। ठीक है, जैसा कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम है अब 2 मंथ से भी कम का टाइम बचा है। ठीक है, तो कुछ लोगों का प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा या कुछ लोगों का प्रिपरेशन थोड़ा कम हुआ है किसी रीज़न से, या कुछ लोगों का प्रिपरेशन तो हुआ है सर, अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए तो उसको अच्छे से कर ले और अच्छा स्कोर आ जाए। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे सबसे पहले तो फिजिक्स के पेपर की बात करता हूँ। फिजिक्स का पेपर कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, ऑप्शन के साथ अगर आप देखोगे तो कितने का होगा? 98 का। आप जब 98 मार्क्स में देखोगे तो 60 मार्क्स का थ्योरी होता है और 38 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और थ्योरी में क्या क्या आता है? डेफिनेशन आता है, फॉर्मूला आता है, डेरिवेशन आता है, ये सब आता है। ठीक है, फिर आता है न्यूमेरिकल 38 मार्क्स का। क्या 38 मार्क्स का न्यूमेरिकल? लास्ट का समय बचा है तो न्यूमेरिकल नहीं करके जाना चाहिए क्या? करके जाना चाहिए, न्यूमेरिकल करके जाना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल से डायरेक्ट सही आंसर आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सर कहाँ से करे? न्यूमेरिकल पूरा तो मत करो, लेकिन एटलीस्ट एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल है ना, वो बहुत अच्छे से करो। और एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल 2-3 बार करो, क्योंकि बोर्ड में ना जो न्यूमेरिकल आता है ना, वो एज इट इज़ एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल का ही स्टेटमेंट पूरा छपा रहता है, एकदम सेम एज इट इज़। कभी कभी तो वैल्यू भी पूरा सेम ही रहता है। तो आप एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल जरूर करें, बिल्कुल भी न्यूमेरिकल छोड़ के मत जाओ। ठीक है, इसके अलावा आगे की जो वीडियोज़ है उसमें मैं आपको केमिस्ट्री एंड बायो के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज बताऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई में सबसे पहले अगर आपको कुछ पढ़ना है तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और उसका लिमिटेशन। ठीक है, हो सकता है एटॉमिक मॉडल ही सिर्फ 2 मार्क्स में पूछ दे, या हो सकता है उसके लिमिटेशंस, या हो सकता है इन दोनों को पूछे आपको 3 मार्क्स में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखने का थ्योरी में, 3 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट। कभी भी फिजिक्स का पेपर, कोई भी पेपर हो 11th 12th में थ्योरेटिकल, तो आपको उसको इसी तरह लिखना है पॉइंट वाइज। ठीक है, फिर बोर्ड्स का भी आपको तीनों पोस्टुलेट पढ़ना और उसका लिमिटेशन। गारंटीड इन दोनों में से कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है, ज़्यादातर बोर्ड तो पूछता ही पूछता है, पिछली बार भी पूछ चुका है। ठीक है, आपको इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। इमिशन स्पेक्ट्रम जैसे कि वही यही सब सीरीजेस पढ़ना है आपको, लाइमैन, बाल्मर, पास्कल, ये सब। उसमें भी आपको लैम्डा का, एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का, वेव नंबर का, इन सब का फॉर्मूला पढ़ लेना। एटलीस्ट लैम्डा का तो फॉर्मूला जरूरी पढ़ना, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपको न्यूमेरिकल आते हैं। एक्चुअली इमिशन स्पेक्ट्रम से एज सच कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, जब भी आएगा न्यूमेरिकल आएगा, तो जरूर इसको बहुत अच्छे से करो इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको न्यूक्लियाई बोलूँ तो इस साल न्यूक्लियाई से बहुत ज़्यादा आने का चांस है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एंड इट्स डेरिवेशन, ठीक है, ये 4 मार्क्स में बहुत ज़्यादा आने का चांस है। इसको बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए, बहुत अच्छे से इसको करो। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको अल्फ़ा एंड बीटा डीके का भी रखना है। बीटा में भी बहुत, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस, तो इसका थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। पिछले तीनों एग्जाम में रेक्टिफायर 4-4 मार्क्स में पूछा ही गया है। ठीक है, तो रेक्टिफायर आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, आप देखोगे तो मार्च 2020 में रेक्टिफायर पूछे ही गए, तो आपको रेक्टिफिकेशन का डेफिनेशन पढ़ना है। फुल वेव, हाफ वेव, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर का आपको डायग्राम, वर्किंग ग्राफ, सब कुछ अच्छे से करना है। इनमें से एक ना एक पूछ ही सकता है आपसे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा आपको रिपल फैक्टर का डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला पढ़ लो, मुश्किल से 2-4 मिनट जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, फोटोडायोड, एलईडी और जीनर डायोड, एक सिंपल लाइन पढ़ना है इनका, सर्किट सिंबल एक लाइन का, ग्राफ इनका देखना है फटाक से, बायसिंग देखना है, फॉरवर्ड रिवर्स क्या है, एडवांटेज देखना है, डिसएडवांटेज देखना है, और एप्लीकेशन देखना है। तो मतलब एक एक डायोड आपको करने में मुश्किल से 10-10 मिनट जाएगा, एक एक पॉइंट देखना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, बहुत अच्छे से रेडी करना है, तब आप इसका वर्किंग करो। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो जरूर कर लो, सर्किट सिंबल, ग्राफ, बायसिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन, मुश्किल से एक एक करने में आपको 10 मिनट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर का 2 टाइप होता है, पीएनपी और एनपीएन।
एटलीस्ट इनके तीनों कॉन्फ़िगरेशन कर लो, तीन तीन कॉन्फ़िगरेशन जो भी है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, एटलीस्ट उतना तो कर ही लो उनका। एटलीस्ट आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट में आपको जैसे कि एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, दो मार्क्स या तीन मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको हर एक गेट का सर्किट सिंबल आना चाहिए, एक लाइन का बुलियन एक्सप्रेशन वो भी एक लाइन का, डेफिनेशन आना चाहिए मतलब इंटरप्रिटेशंस क्या क्या होते हैं, साथ में ट्रूथ टेबल बनाना चाहिए, बस इतना बेसिक आना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट आपको रेक्टिफायर और लॉजिक गेट ये बहुत अच्छे से करना है, फोटोडायोड, एलईडी और जीनर डायोड ये बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, ठीक है। इसी के साथ फिजिक्स के मैंने सारे टॉपिक्स आपको बता दिया है। अब आगे के वीडियोस में आपको केमिस्ट्री के एंड बायो के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं चैप्टर वाइज डालूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू।